all black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip and the gun. नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक ही कंपनी के दो मॉडल ट्रैक्टर की वीडियो लेके आया हूँ, जो कि स्वराज 744/60 और अर्जुन 555 अल्टर। अपने अपने 50 हॉर्सपावर की श्रेणी के सबसे बेस्ट ट्रैक्टर, जैसे महिंद्रा का अर्जुन जो आप जानते हो सबसे नामचीन ट्रैक्टर, और स्वराज का 744/60 जो सबसे नामचीन ट्रैक्टर स्वराज का ट्रैक्टर माना जाता है। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर की एचपी पावर की बात करें, 50 हॉर्सपावर की दोनों ही ट्रैक्टर है। बाकी बात करें इसके लुक्स की, मुझे थोड़ा बेटर अर्जुन 555 लगा, और स्वराज ने भी अपना लुक चेंज करा है। एरोडायनेमिक ट्रैक्टर में इसमें आपको लुक का स्पेस देखने को मिल जाए, जो पहले आता था वो ओल्ड लुक आता था, अब ट्रैक्टर में लुक काफ़ी शानदार कर दिया गया। तो लुकिंग में कोई स्वराज में भी कमी नहीं है, अपनी अपनी पसंद रहती है। मेरी अर्जुन रहता है, तो कई बंदों को स्वराज भी अच्छा लगता है। मैं कैटेगरी वाइज कर देता हूँ, पहले मैं आपको स्वराज का आपको रिव्यू दे देता हूँ, उसके बाद अर्जुन का दे देता हूँ। सबसे पहले अर्जुन स्वराज की बात करते हैं। 50 एचपी इसका इंजन देखने को मिलेगा, स्वराज की ब्रांडिंग फ्रंट में, और बोनेट के अंदर ही लाइट आपको देखने को मिलेगी, और एडजस्टेबल इस ट्रैक्टर में एक्सल देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर में देख लीजिए, काफ़ी शानदार इसमें आपको एरोडायनेमिक लुक मिल रहा है। सिंगल पीस बोनेट के साथ मिलेगा, वन प्रेस के साथ आपको खुल जाएगा। पंप्स लगे हुए हैं इसमें, आपको पकड़ के रहने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर में आपको एडजस्टेबल कंफर्टेबल एक्सल देखने को मिलेगा, आप अपनी सुविधा के अनुसार से एडजस्ट कर पाएंगे। 3 सिलेंडर पावर मिलेगी 3478 सीसी पावर के साथ, 2000 इंजन रेटेड आरपीएम का। वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम रहेगा। साइड लुक की बात करें तो दोनों का साइड लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह को आपको देखने को मिलेगा। स्वराज में आपको वेट टाइप का एयर फिल्टर मिलेगा। ट्रैक्टर में फ्रंट टायर का साइज जो आपको देखने को मिलेगा 7/50/16 का, और दो में 6/16 भी मिल जाता है, अगर जिसको नीड रहती है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से। 3 सिलेंडर पावर वेट टाइप का, 44 हॉर्स पावर की इसमें ट्रैक्टर में पीटीओ पावर देखने को मिलेगी। सिंगल डीजल फिल्टर, वाटर सेपरेटर, अगर गलती से डीजल टैंक में पानी चला जाए पानी अपने आप सेपरेट हो जाएगा। रिवर्स पीटीओ ब्रांडिंग, ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग का ट्रैक्टर में आपको सुविधा मिल रही है। सिंगल एक्टिव नहीं, ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग, जिसमें आपको स्टीयरिंग और भी स्मूथ रहता है। ट्रैक्टर में आपको 5-स्टार की सिंपल सोबर ग्राफिक्स मिल रहे हैं। ट्रैक्टर में विदाउट क्रोम फिनिश, दोनों ही ट्रैक्टर में क्रोम फिनिश आपको बिल्कुल नहीं मिल रही, सिंपल सोबर ग्राफिक्स मिल रहे हैं 5-स्टार की ब्रांडिंग के साथ। ये सबसे टॉप मॉडल के अंदर आता है। इस ट्रैक्टर में आपको कैटेगरी वाइज की बात करूँ, इसमें आपको काफ़ी मॉडल देखने को मिल जाएंगे। सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स वाला भी, साइड शिफ्ट गियरबॉक्स वाला भी, और ट्रैक्टर में हाई लो मीडियम का ऑप्शन है। मुझे स्वराज और महिंद्रा की सबसे एक अच्छी बात लगती है, ट्रैक्टर में कैटेगरी बहुत देती है, मॉडल बहुत देती है, जिसमें अपने कस्टमर अपनी मन पसंद का ट्रैक्टर ले सकता है। कई कंपनियों में जितना मॉडल नहीं रहता जितना स्वराज और महिंद्रा में रहता है। ट्रैक्टर में गियरबॉक्स की बात करें, इसमें आपको कॉन्स्टेंट मैस स्लाइडिंग बॉक्स गियरबॉक्स मिलेगा ट्रैक्टर में। और ट्रैक्टर में आपको प्लेटफॉर्म की बात करें, सबसे खास बात मुझे स्वराज की प्लेटफॉर्म की रहती है। सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स होने के बावजूद भी इसका प्लेटफॉर्म साइड शिफ्ट गियर जैसी फीलिंग रहती है। आप देर लंबे टाइम तक खेती करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एडजस्टेबल सीट ट्रैक्टर में देखने को मिलेगी। और एक इस ट्रैक्टर में क्या खास बात है, इंडिपेंडेंट पीटीओ का क्लच आपको अलग से देखने को, लीवर आपको अलग से देखने को मिलेगा। ये आप साइड में आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ट्रैक्टर में मेरी हाइट 6 फुट है, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके प्लेटफॉर्म में बैठने में। इसका प्लेटफॉर्म इस तरह से डिज़ाइन करा है, सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स होने के बावजूद भी प्लेटफॉर्म काफ़ी कंफर्टेबल है। कार की तरह स्टेयरिंग पर आपको हॉर्न मिल रहा है, एनालॉग टाइप का डिजिटल मीटर मिलेगा, साइड मिरर, हैंड रेस आपको इस तरफ देखने को मिलेगी, कॉन्स्टेंट मैस स्लाइडिंग मैस गियरबॉक्स मिलेगा, ड्यूल क्लच ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेगा, मल्टी प्लेट ऑयल इमर्स ब्रेक ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा, ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग मिलेगा, रिवर्स पीटीओ आपको मिल रहा है, 56 लीटर का फ्यूल टैंक का आपको शानदार बैकअप मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पीसीडीसी लीवर जो आपको लिफ्ट के हैं, और ये यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट, आप अपना फ़ोन चार्ज लगा के छोड़ सकते हैं। इसी के जस्ट साइड में आपको डिस्ट्रीब्यूटर का भी लीवर मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। ये रहा इस ट्रैक्टर की खास बात, इसमें पीटीओ के लिए आपको अलग से लीवर दिया गया, तो आपको क्लच में इस पैर रखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आपको अलग से यहाँ पे पीटीओ का एक इंडिपेंडेंट क्लच आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पीटीओ का ये आपको लीवर देखने को मिल जाएगा। इससे फ़ायदा ये रहता है, आपकी क्लच पेट जल्दी घिसती नहीं है, वो जल्दी काम नहीं मानती। कई ट्रैक्टर में ऑप्शन नहीं दिया गया, जैसे आपको मैं अर्जुन की बात करूँ, उसमें आपको इंडिपेंडेंट क्लच ट्रैक्टर में नहीं दिया गया पीटीओ के लिए, उसके क्लच पे ही आपका रहेगा, तो उसमें थोड़ा क्लच प्लेट पे थोड़ा असर ज़्यादा पड़ता है, जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। अब देख लीजिए पूरा प्लेटफॉर्म बोनेट वगैरह कैसा ट्रैक्टर का लुक है, काफ़ी शानदार है। ये आपको पीछे जो डबल डिस्ट्रीब्यूटर लगे हुए हैं उसका आपको यहाँ पे इस साइड आपको लीवर मिल जाएगा, जस्ट सीट के साइड में। इस ट्रैक्टर में आपको 6 साल की वारंटी मिलेगी, जबकि अर्जुन में आपको 2 साल की, पर अर्जुन के अंदर आपको नो सीरीज का जब ट्रैक्टर लेते हो उसमें आपको 6 साल की मिलती है। बोनेट मुझे अर्जुन का थोड़ा शानदार लगा, डिजाइनिंग का अच्छा डिज़ाइन है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। पीछे वाले ट्रैक्टर में आपको 14/28, 16/28 दोनों में पीछे वाले टायर में आपको ऑप्शन मिलने वाला है दोनों ट्रैक्टर में। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, दोनों ट्रैक्टर का प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू और क्रीम कलर, उसमें रेड और सिल्वर कलर। पीछे की बात करें, रिफ्लेक्टर आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा ट्रैक्टर में, स्वराज का बैटरी, स्वराज का एक टूल बॉक्स मिल जाएगा प्लास्टिक का, जो स्वराज की ब्रांडिंग के साथ देखने को मिलेगा। जो भी पीछे आप डंडा देख रहे हैं इससे काफ़ी बोनेट ख़राब नहीं रहते और वाइब्रेशन भी काफ़ी कम रहती है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिल जाएगा,
जैसे आजकल एडवांस टाइप के इम्प्लीमेंट आ रहे हैं लेजर हैरो, ये जो आपको लीवर मिल रहा है इस ट्रैक्टर में काफ़ी अच्छा कंपनी ने आपको रिस्पांस दिया है। आप पीछे से लिफ्ट अपने ऊपर नीचे कर पाएंगे। ट्रैक्टर में आपको थ्री सेंसिंग पावर मिलेंगे जिसमें आप इम्प्लीमेंट अपने जमीन के मिट्टी के अनुसार से इम्प्लीमेंट लगा के छोड़ देंगे, जो आपको डीलर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको कौन से होल में आपको कौन सा इम्प्लीमेंट लगाना है। ये डंडे से काफ़ी पीछे बोनेट पे बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं देती, कई कंपनियां पहले देती नहीं थी पर आप देने लगी कस्टमर की डिमांड पे। रेक्टेंगल शेप में आपको पीछे वाली लाइट देखने को मिलेगी, काफ़ी शानदार ट्रैक्टर लगा मुझे। ट्रैक्टर का कुल वजन की बात करिए, ट्रैक्टर 2070 केजी का वजन इस ट्रैक्टर का खुद का कुल है। 1700 केजी इसकी लिफ्टिंग क्षमता कंपनी ने बताई कि ADDC टाइप की इसमें हाइड्रोलिक मिल जाएगी, 6 साल की वारंटी। व्हील बेस ट्रैक्टर का 2250 mm रहेगा। ओवरऑल लेंथ ट्रैक्टर की 3575 mm और चौड़ाई सेक्टर में 1845 mm। स्वराज का बैटरी बॉक्स के साथ अच्छी ब्रांडिंग रहेगी और अच्छी प्रोटेक्शन भी रहेगी ट्रैक्टर में। आपको इसमें PTU पावर और अच्छा इंडिपेंडेंट क्लच दिया गया। ट्रैक्टर में फीचर की कोई कमी नहीं है, A1 ट्रैक्टर है। XT का मतलब कई किसान भाई पूछते हैं XT का मतलब क्या रहता है, XT का मतलब रहता है एक्स्ट्रा टॉर्क। इस ट्रैक्टर में आपको एक्स्ट्रा टॉर्क पावर देखने को मिलेगी। जो इसके अंदर एक मॉडल और आता है FE, उसका मतलब होता है फ्यूल एफिशिएंसी, इसका रहता है एक्स्ट्रा टॉर्क पावर इस ट्रैक्टर में देखने को मिली। अब हम कंपैरिजन करते हैं अर्जुन के साथ, क्या खास बात है अर्जुन की। सबसे पहले अर्जुन का ब्रांड नेम काफ़ी शानदार, अर्जुन का महिंद्रा में काफ़ी अच्छी इमेज है, बल्कि जहाँ पे अर्जुन नाम आ जाता है मन में एक अलग सा रुतबा पैदा हो जाता है कि काफ़ी शानदार ट्रैक्टर रहने वाला है। लुकिंग की बात करें काफ़ी शानदार बल्कि लुक रहेगा ट्रैक्टर में। एडजस्टेबल, इस दोनों ट्रैक्टर में आपको एडजस्टेबल एक्सल देखने को मिलेंगे। सवरा महिंद्रा की शानदार क्रोम फिनिश के साथ ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। सिल्वर जो कलर की आपको ग्रिल्स मिल रही है काफ़ी शानदार है। इस ट्रैक्टर में आपको टोइंग भी फैसिलिटी साथ में मिलेगी। सिंगल पीस बोनेट दोनों ट्रैक्टर में रहने वाला है। बोनेट के अंदर वाली साइड आपको लाइट्स मिल जाएगी। दोनों ही ट्रैक्टर 50 horsepower में। स्वराज में आपको 3 सिलेंडर पावर मिल रहा है, इस ट्रैक्टर में आपको अर्जुन में 4 सिलेंडर पावर देखने को मिलेगा। ये दोनों ही टायर के फ्रंट टायर मैंने आपको बताया था सेम है, 750/16 का। लुब्रीटेक का इसमें ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, एडवांस टाइप का लुब्रीटेक आप जानते ही हो। 4 सिलेंडर पावर है उसमें, 3 सिलेंडर पावर है, 3054 cc पावर देखने को मिलेगी। और स्वराज में आपको 3478 पावर देखने को मिलेगी। सिंगल डीजल फिल्टर दोनों ट्रैक्टर में, इसमें आपको वाटर सेपरेटर नहीं मिलता। दोनों ही ट्रैक्टर ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग है। अब बात कर लेते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म मुझे पर्सनली बताऊं तो स्वराज का ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म लगा इस ट्रैक्टर के मुकाबले। कंफर्टेबल थोड़ा इसमें ज़्यादा है। इसमें भी आपको साइड शिफ्ट गियरबॉक्स मिल सकता है और दो मॉडल इसमें भी काफ़ी रहता है। और देख ली लुक्स में थोड़ा मुझे अर्जुन ज़्यादा बेटर लगा। बाकी एनालॉग डिजिटल मीटर मिल रहा है, एनालॉग टाइप का नहीं, इसमें आपको एडवांस टाइप का डिजिटल मीटर रहेगा। PTU उस पावर इस ट्रैक्टर में 44.9 HP की PTU पावर मिलेगी, उस ट्रैक्टर में स्वराज में 44 horsepower की मिलेगी। ड्राई टाइप का इसमें विद ड्यूल एलिमेंट के साथ एयर फिल्टर देखने को मिलेगा, उसमें वेट टाइप का एयर फिल्टर देखने को मिलेगा। ट्रैक्टर में 8 forward 2 reverse गियर मिलेंगे सिक्रैनो मैस गियरबॉक्स के साथ। और इस स्वराज में आपको स्लाइडिंग मैस गियरबॉक्स देखने, कॉन्स्टेंट मैस और स्लाइडिंग मैस गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे। ऑयल इमर्स इसमें आपको ब्रेक देखने को मिलेंगे लुब्रीटेक सिस्टम के साथ। ड्यूल एक्टिव पावर स्टीयरिंग दोनों रहने वाले, 6 स्पैन की PTU रहने वाली है। इसमें आपको इंडिपेंडेंट क्लच नहीं मिलेगा इस वाले मॉडल के अंदर। 6 स्पैन की PTU 540 चक्कर जनरेट करेगी। 65 लीटर का फ्यूल टैंक का बैकअप है। स्वराज में आपको 56 लीटर का फ्यूल टैंक का बैकअप मिलेगा। देख लीजिए कुल मिला के ये आपका लुक है, एरोडायनेमिक लुक मिलेगी ट्रैक्टर में। थोड़ा रुतबा इस ट्रैक्टर का थोड़ा इसमें मेरे को ज़्यादा लगा। थोड़ी 4 सिलेंडर पावर भी इसमें आपको बेटर मिल रही है, उसमें 3 सिलेंडर पावर मिली है। तो सिलेंडर पावर भी आप जानते हैं काफ़ी मैटर करता है ट्रैक्टर के अंदर, पावर के अंदर। तो सिलेंडर पावर इस ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और लिफ्टिंग क्षमता भी आपको स्वराज के मुकाबले इस ट्रैक्टर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। लिफ्टिंग क्षमता की बात करें इस ट्रैक्टर की, लिफ्टिंग क्षमता 1850 केजी रहती है, जबकि स्वराज में आपको 1700 केजी की आपको लिफ्टिंग क्षमता मिलती है। ये रहा आपका सिर्फ लीवर मिल जाएगा यहाँ पे, उसमें आपको इंडिपेंडेंट क्लच देखने को मिल जाएगा, अलग से लीवर मिल जाएगा। साइड लुक देखिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर का कुल वजन। स्वराज आपको 2070 केजी में मिलेगा, इस ट्रैक्टर का वजन 2350 केजी का मिलेगा, 2350 केजी का। दोनों ट्रैक्टर में डबल डिस्ट्रीब्यूटर, दोनों ट्रैक्टर में आजकल एडवांस टाइप के इंप्लीमेंट आ रहे हैं, लेजर हैरो कंप्यूटर करावा आप सब लगा सकते हैं, मिनी JCB भी बना सकते हैं। और पीछे आपको ये जिसमें मैं बताया था ये डंडा मिल जाएगा, जिसमें ट्रैक्टर की बोनेट पे वाइब्रेशन काफ़ी कम रहती है। दोनों ही ट्रैक्टर में पीछे की तरफ आपको शानदार एक बड़ी लाइट मिल जाती है, रात के समय काफ़ी काम आती है। यहाँ पे SFC प्लेट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी PTU हॉर्स पावर के बारे में। और पीछे की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, रिफ्लेक्टर, बोतल होल्डर सब देखने को मिलेगा। एक शानदार मजबूत आपको हुक मिलेगा, दोनों ट्रैक्टर में कंपनी फिटेड रहेगा। इस ट्रैक्टर में लगा हो नहीं आता, डीलर आपको लगा के देगा आपके ऑन रोड प्राइस के अंदर अंदर। तो इस ट्रैक्टर का व्हील बेस की बात करें 2125 mm, और स्वराज में आपको व्हील बेस जो आपको देखने को मिलता है 2250 mm का व्हील बेस ट्रैक्टर में रहता है। इस ट्रैक्टर में एक आपको मैट मिल जाता है रबड़ मैट, और उस ट्रैक्टर में आपको कोई रबड़ मैट नहीं मिलता। और ट्रैक्टर में आपको ओवरऑल विड्थ जो इसकी चौड़ाई रहने वाली है जो रहती है 1965 mm, स्वराज में 1845 mm। ये ट्रैक्टर में आपको वजन भी अर्जुन में थोड़ा उस स्वराज से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और लुक्स की बात करें मुझे पर्सनली लुक अर्जुन का ज़्यादा अच्छा होता है। पावर की बात करें तो पावर में भी आपको अर्जुन के अंदर पावर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी।
बाकी सबकी अलग अलग पसंद है। पावर में झांकी इसकी सिलेंडर पावर ज़्यादा है, जबकि स्वराज में सीसी पावर ज़्यादा है। दोनों ही चीज़ में, दोनों ही ट्रैक्टर में अंडरस्टैंडिंग रहती है अपन ने। अर्जुन में आपको 2100 रेटेड आरपीएम मिल जाएगी, स्वराज में आपको 2000 इंजन रेटेड आरपीएम मिलेगी। दोनों ही ट्रैक्टर में वाटर कूलिंग सिस्टम है, उसमें स्वराज में आपको वेट टाइप का एयर फिल्टर मिलेगा, इसमें आपको ड्राई टाइप का एयर फिल्टर मिलेगा। पीटी उस पर आपको अर्जुन में देखने को मिलेगी 44.9 HP की, और इस ट्रैक्टर में आपको 4400 पर की पीटी पावर देखने को मिल जाएगी। 65 लीटर का फ्यूल टैंक का बैकअप मिलेगा आपको अर्जुन के अंदर, और स्वराज में आपको 56 लीटर का। वेट जो अर्जुन के अंदर रहने वाला है 2350 kg, जो आपको स्वराज में 2070 kg वेट भी अर्जुन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोनों ही ट्रैक्टर अपनी अपनी जगह पसंद है, अपनी अपनी श्रेणी के दोनों ही बेस्ट ट्रैक्टर हैं। तो जिस किसान भाई के पास ये दोनों ट्रैक्टर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ज़्यादा दोनों में से बेटर कौन लगा, जिसने दोनों ही ट्रैक्टर चलाए हैं, मुझे पर्सनली बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए।